आज का टॉपिक है हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इधर, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है के पास? थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। और ये कौन सा है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर अगर एंगल देखें तो कितना होता है? 0 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां पर आपका 180 डिग्री। यहां पर आपका एंगल 270 डिग्री। और यहां पर वापस कितना हो जाता है? 360 डिग्री, ठीक है। देखो इधर, अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा आपका? 90 से कम, तो बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 90 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? 90 प्लस थीटा। और कौन सा आ रहा है 180 से कम? तो बोलेंगे 180 माइनस थीटा। बात क्लियर है? आप ऐसे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 180 से ज्यादा आ रहा है और 270 से कम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। और 270 से कम आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 270 से ज्यादा आ रहा है और 360 से कम आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? 270 प्लस थीटा। और क्या बोलेंगे? 360 माइनस थीटा। और वापस देखो, इसमें 360 से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका ये रोटेशन जो है पूरा, ये क्या हो गया था? 360 का। और वापस इधर आए तो इसका मतलब 360 से ज्यादा हो गया, इसको क्या बोलेंगे वापस? इसलिए 360 प्लस थीटा। बात क्लियर हुई कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये किस में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा के पास? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आएगा। अब देखो, एक वर्ड आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आप जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। क्या बोला हमने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। देखो, ए का मतलब ऑल, ठीक है ना। एस का मतलब क्या हो गया? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है। टी का मतलब क्या हो गया? टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है ना। सी का मतलब हो गया कॉस थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं आपके पास? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कोट, ये कैसे होते हैं आपके पास? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक, ये कैसे होता है आपके पास? पॉजिटिव होते हैं। और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। याद रखोगे आप लोग? चलें फिर आगे। अब देखो इधर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 90 और 270, ठीक है ना, इनमें क्या होता है? रेशियो चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने? रेशियो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह से? आपने देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फौरन पढ़े थे, है ना, 10th क्लास में। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता था? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, याद है। तो साइन का क्या होता है? साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाता है, और कोट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। ऐसे सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक जो है वो किस में चेंज होता है? सेक में चेंज हो जाता है। बात क्लियर हुई? रेशियो चेंज का मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। और 180 और 360, इसमें रेशियो नो चेंज, रेशियो नो
चेंज, रेशो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। 90 और 270 में रेशो चेंज होता है, 180 और 360 में रेशो चेंज नहीं होता। जैसे देखो मैं समझाता हूं आपको, जैसे मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। देखो यहां पर एंगल कितना है, 90 है, 90 का मतलब पाई बाई, देखो 90 का मतलब आपके लिए पाई बाई 2 भी होता है, पता है ना आपको रेडियन में, और 270 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। 180 का मतलब होता है पाई, और 360 का मतलब होता है 2 पाई, ठीक है ना। अभी मैं आपको 90 में याद करा रहा हूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। बस आप रेशियो का मतलब याद रखना, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, 180 का मतलब पाई, और 360 का मतलब 2 पाई। देखो इधर यहां पर क्या है, 90 है, 90 में क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अभी किस क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, क्या बोला मैंने, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपका वर्ड था आफ्टर स्कूल, एस का मतलब क्या है, साइन और कोसेक। अब हमें इस साइन को देखना है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। ये साइन है इसलिए किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। देखो इधर ऐसे मैंने पूछा आपसे, कॉस 180 माइनस थीटा, देखो 180 में रेशो चेंज नहीं होता, 180 में रेशो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब रेशो चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस थीटा का कॉस थीटा आएगा। अभी किस क्वाड्रेंट में, वही सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉस है इसलिए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ऐसे देखो अगर मैंने पूछा टेन 180 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो देखो यहां पर एंगल कितना है, 180, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता, टेन है तो टेन ही रहेगा, कितना आ जाएगा, टेन थीटा। बट ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है, अभी भी क्लियर कर लो मेरी बात, हम जो आंसर आ रहा है उसको मत देखो, आपको इस रेशियो को देखना है, ये टेन है इसलिए किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर ऐसे देखो टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, वही टेन थीटा आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये टेन है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा इधर। बात समझ में आ रही है। अब देखो ऐसे ही अगर मैंने बोला होता कॉट 270 प्लस थीटा, देखो इधर 270 में रेशो चेंज होता है, कोट का क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा। अब किस क्वाड्रेंट में, ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपका वर्ड क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। सी का मतलब क्या है, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कोट है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ऐसे देखो अगर मैंने बोला सेक 360 है ना माइनस थीटा, देखो इधर 360 में रेशो चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, सेक का सेक थीटा आ जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। बात क्लियर हो रही है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या है, हमें इस आंसर को नहीं देखना, हमें इसको देखना है, अभी भी बात क्लियर कर लो मेरी बात, ये सेक है इसलिए किसका, पॉजिटिव, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको। ऐसे देखो अगर मैंने बोला होता, ठीक है ना, कॉस 360 प्लस थीटा, देखो इधर यहां पर एंगल कितना है, 360, 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, क्या रहेगा, कॉस थीटा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो अगर मैंने बोला टेन 270 माइनस थीटा, देखो इधर 270 में
रेशो चेंज होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, 270 में रेशो चेंज होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में लग रहा है, देखो इधर 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है याद करो, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमें किसको देखना है, इस टेन को, ये टेन है ये, इसलिए किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो, अगर मैं बोलता टेन 180 माइनस थीटा, देखो 180 इसमें रेशो चेंज नहीं होता, तो वापस क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है, बोलो बोलो, सेकंड में क्या होता है आपके पास, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये टेन है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, चले फिर आगे। ऐसे देखो, अगर मैंने आपसे बोला कोसेक 90 प्लस थीटा, देखो इधर 90 में रेशो चेंज होता है, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है ना। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हमें किसको देखना है, इस कोसेक को देखना है, ठीक है ना, तो कोसेक है इसलिए किसका, पॉजिटिव। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ऐसे देखो, अगर मैंने बोला होता साइन 90 प्लस थीटा, 90 में रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरीके से रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से रेशियो चेंज होता है, ठीक है ना। तो देखो इधर 90 में रेशियो चेंज हो गया, तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, वही सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं आपके, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है आपका, साइन है। हमें आंसर को नहीं देखना है ना, जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखना है, ये साइन है आपका, ठीक है ना, साइन है इसलिए किसका, पॉजिटिव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैंने बोला होता कि टेन 360 प्लस थीटा, तो देखो 360 में रेशो चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, टेन का टेन ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, अगर मैंने बोला होता टेन है ना 360 माइनस थीटा, अगर ऐसे बोला होता, तो देखो 360 में रेशियो चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, टेन का टेन थीटा ही आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, 360 से कम, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये टेन है इसलिए किसका, माइनस का। बात क्लियर हुई। ऐसे देखो, अगर मैं बोलता आपसे कॉट 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 में रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सेकंड में क्या होता है आपका, बोलो, सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, कॉट है इसलिए किसका हो गया, माइनस का हो गया। बात क्लियर है। ऐसे देखो, अगर मैं बोलता सेक 90 माइनस थीटा, तो देखो 90 में रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, तो कितना हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो अगर आपको याद हो कॉम्प्लीमेंट्री, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। बात क्लियर हुई। ऐसे देखो, अगर मैं बोलूं कॉस 270 प्लस थीटा, तो देखो 270 में रेशियो क्या होता है आपका, चेंज होता है,
तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब किस क्वाड्रेंट में ये 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो मेरे को किसको देखना है, आंसर को नहीं देखना है मेरे को क्वेश्चन को देखना है। यहां पर क्या है आपका कॉस, ठीक है ना, इसलिए किसका आएगा, प्लस का आएगा। बात क्लियर हुई, चलें फिर आगे। अब देखो इधर एक और चीज समझो, जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर नेगेटिव एंगल दे रखा हो, क्या बोला मैंने, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या दे रखा हो, आपको नेगेटिव एंगल दे रखा हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कॉस और सेक माइनस का साइन खा जाते हैं और बाकी सब माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, ठीक है ना, एंगल कैसा हो आपका नेगेटिव दे रखा हो, ठीक है ना, एंगल की बात चल रही है, एंगल कैसा है आपका नेगेटिव है, मतलब माइनस का साइन आ रहा है एंगल के अंदर, तो क्या होता है कॉस और सेक माइनस का साइन खा जाते हैं और बाकी सब माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे देखो कॉस माइनस एक्स, तो मैंने क्या कहा था कॉस और सेक माइनस का साइन खा जाते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे देखो टेन माइनस एक्स, ठीक है ना, तो देखो हमने क्या बताया था कि कॉस और सेक माइनस का साइन खा जाएंगे और बाकी सब माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे, तो माइनस का साइन बाहर निकल गया, ये कितना हो गया टेन एक्स। ऐसे देखो कॉट माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, सेक माइनस एक्स, है ना, ये सेक है तो सेक क्या करेगा माइनस का साइन खा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही कॉसेक माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, याद रहेंगे आपको ये फॉर्मूले, ठीक है ना। कैसे याद रखना है आपको कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नेगेटिव एंगल आता है तो कॉस और सेक माइनस का साइन खा जाते हैं और बाकी सब माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद इस तरह के, है ना, इस तरह के आपको कम से कम 30 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, खुद को ही बनाओ, आप लोग खुद बनाओ और उसको ट्राई करो।